स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टुडेज व्यू पर। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे सीरीज में हम देख रहे हैं पैकेज वन, और अभी हम खड़े हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 7 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ बनाया जा रहा है इंटरचेंज पॉइंट। ये जो है ये पहला इंटरचेंज पॉइंट है समृद्धि महामार्ग का, लेकिन ये इंटरचेंज थोड़ा अलग होने वाला है बाकी इंटरचेंजेस से, क्योंकि इस इंटरचेंजेस पर आपको कहीं पर भी टोल बूथ नहीं दिखाई देगा। इस लोकेशन के आसपास 4-5 गाँव होने की वजह से और बुटीबोरी MIDC पास में होने की वजह से यहाँ पर इंटरचेंज दिया गया है। तो यहाँ से एंट्री तो मिल जाएगी और एग्जिट भी मिल जाएगी, लेकिन उस पर कोई टोल यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इस लोकेशन पर जो काम है वो अंतिम दौर में पहुँच चुका है। कंक्रीट का काम पूरी तरह से यहाँ पर कर लिया गया है, मीडियन का काम अभी बाकी है, ये आप देख सकते हैं। और आरी वॉल जो 3 किलोमीटर से शुरू हुई थी वो अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम यहाँ पर हुआ है। तो इस लोकेशन पर हमें दिखा है प्लेन, और अभी तो ये हवा में उड़ रहा है। तो हम जिस समृद्धि एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं यहाँ पर, इसी की रफ्तार से गाड़ियाँ भी दौड़ने वाली है कुछ ही महीनों में। तो युद्ध जैसी स्थिति में प्लेन को भी उतारने की सुविधा इस समृद्धि महामार्ग पर रहने वाली है। तो अभी हम पहुंचे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 8 किलोमीटर की दूरी पर, और यहां पर लगा है PQC का बेड। यहां से स्टार्ट हो चुका है अब, और यहां पर आप डिवाइडर देख सकते हैं, काफी छोटा डिवाइडर है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग पॉइंट से 8 किलोमीटर की दूरी तक आपको यही डिवाइडर मिलने वाला है जो अभी हमने देखा, और इस पॉइंट से अब ये डिवाइडर थोड़ा बड़ा बड़ा होते जाएगा, और आखिर में इसकी जो विड्थ है वो 65 फीट यानी कि 22 मीटर मेंटेन रखी गई है। अगर आगे चल के इस रोड को एक्सपेंशन करना रहा तो लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 8 किलोमीटर से अब ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और इस लोकेशन पर दोनों साइड से रोड बन चुकी है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से डिवाइडर बड़ा होने जा रहा है, और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट तक आप जाएंगे तो आपको डिवाइडर नहीं लगेगा। ये जो सिंगल वॉल डिवाइडर है यही रहेगा। और अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तक आ चुके हैं, तो तकरीबन 6-7 किलोमीटर तक तो PQC का बेड ही नहीं है, उसके बाद में PQC का बेड चालू हो चुका है। और अभी हम आगे देखते हैं कि अब हमें कहाँ तक PQC का बेड दिखाई देता है। फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 9 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ पर इस रोड को हाई टेंशन लाइन क्रॉस कर रही है, इसीलिए हाल ही में ये 2 नए पोल यहाँ पर लगा दिए गए हैं हाई टेंशन लाइन के लिए। काफ़ी बड़े पोल है ये, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा रखी गई है रोड की हाइट से, और इस लोकेशन पर मीडियन में नाली बनाने का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से बनकर तैयार है, और आगे भी इस नाली का काम किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो मशीन आप आगे देख रहे हैं इसे कहते हैं बूम प्लेसर। बूम प्लेसर की सहायता से स्लैब की कास्टिंग की जाती है। इस मशीन के अंदर मिलर से कंक्रीट डाला जाता है, और इस पाइप की सहायता से उसे हाइट पर ले जाने में मदद मिलती है। तो ये फोल्डेबल रहता है और आप इसे फोल्ड होता हुआ देख सकते हैं। अभी ये क्लोजिंग पोजीशन में आ रहा है। काफ़ी हाइट तक इससे कंक्रीट की जा सकती है, और काफ़ी फास्ट कंक्रीट इस बूम प्लेसर से की जाती है। कंक्रीट जल्द करने में इससे काफ़ी सहायता होती है, और काफ़ी फास्ट कंक्रीटिंग इससे सहायता से की जाती है। इस मशीन के बाजू में जो खड़े हैं वो इस मशीन के ऑपरेटर है। इस बूम प्लेसर को रिमोट की सहायता से ऑपरेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर की दूरी पर, और ये लोकेशन एक स्पेशल लोकेशन है क्योंकि यहाँ पर बनाया जा रहा है नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे का पहला टोल नाका। जी हाँ, यहाँ से आप
जाने के लिए एंट्रेंस ले सकते हैं और मुंबई से आने के वक्त आपको ये लास्ट टोल लगेगा। तो ये मेन एंट्रेंस पॉइंट है समृद्धि महामार्ग का। यहाँ से समृद्धि महामार्ग शुरू होता है और ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गाड़ियों के बीच में बसा होने के कारण यहाँ पर काफी खूबसूरत लोकेशन ये हो चुकी है अब, और इसका काम अभी अंतिम दौर में चल रहा है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये टोल की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और 1 से 1.5 महीने में इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसका काम यहाँ पर अंतिम दौर में चल रहा है और PQC होना यहाँ पर अभी बाकी है। तो ये फर्स्ट टोल रहेगा, इसे एंट्रेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, जो कि फर्स्ट इंटरचेंज के बाद आता है। तो काफी खूबसूरत लोकेशन है ये, और यहाँ पर 8 से 10 लेन की जगह छोड़ी गई है क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट रहने वाला है, तो उस हिसाब से इसे बनाया जा रहा है। चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 10.5 से 11 किलोमीटर, और इस लोकेशन को देखिए कितनी खूबसूरत लोकेशन है ये। क्योंकि यहाँ पहाड़ियों के बीच में से रास्ता गुजर रहा है तो देखने की काफी खूबसूरत लगता है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और अगर आप इस लोकेशन के आसपास कहीं रहते हैं तो इस पॉइंट पर ज़रूर विजिट कीजिए। काफ़ी देखने लायक और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस यहाँ पर काफ़ी हाइट पर रोड बनाई जा रही है। यहाँ से हाइट तकरीबन 40 से 50 फीट है, बहुत ही ऊपर है ये। और यहाँ पर पानी से मिट्टी का कटाव ना हो इसीलिए यहाँ पर पत्थर रखे जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा ब्रिज है ये। और अब इस दिशा में हमें जाना है। तो अभी हम आ चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 11 किलोमीटर की दूरी पर, और अभी हम क्रैश बैरियर के साइड में खड़े हैं, और पीछे से देख सकते हैं आप कि क्रैश बैरियर को कितनी अच्छी तरह से बनाया जाता है। इसे पूरी तरह से बोल्ट से फिक्स किया जाता है ताकि दुर्घटना के वक्त कोई भी वाहन रोड के नीचे ना उतरे। और काफ़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ देखने के लिए यहाँ पर, और कंपाउंड वॉल का काम आप देख सकते हैं अंतिम दौर में चलता हुआ। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है ये भी। टोल बिल्डिंग से हम मैक्सिमम 1 से 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं, और यहाँ पर एक टर्निंग है जहाँ से रोड टर्न हो रही है, तो इसीलिए ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। जिस पर सफर करते वक्त ये और भी खूबसूरत दिखने वाला है। 11 किलोमीटर की ये लोकेशन काफी खूबसूरत। इस लोकेशन पर दोनों तरफ से पहाड़ियां है और पहाड़ियों के बीच में से रास्ता गुजर रहा है। काफी खूबसूरत नजारा है यहाँ पर। बीच में ड्रेनेज की नाली का भी काम यहाँ पर पूरी तरह से कर लिया गया है। दोनों साइड में PQC बेड हो चुका है। अभी हम आ चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 13 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ पर ड्रेनेज की नाली बनाने का काम चल रहा है। इसके लिए मार्किंग किया गया है और यहाँ पर पहाड़ियाँ काट के रास्ता बनाया गया है। तो ये काफी ऊंची यहाँ पर आपको दिखाई देती होगी, 10 से 15 फीट की हाइट पर।
इस लोकेशन पर काम हो चुका है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है और आज काफ़ी धूप है, आप देख सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए काफ़ी दूर आना पड़ता है और काफ़ी मेहनत लगती है। को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अभी हम आ चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 14 किलोमीटर की दूरी पर और इस लोकेशन पर ओवरपास बनाने की तैयारी चल रही है, ये आप देख सकते हैं। पिलर्स का फाउंडेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है, पिलर बनाने का काम यहाँ पर जोरों शोरों से चल रहा है, उसी की तैयारी में यहाँ पर स्टाफ लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस लोकेशन पर पहाड़ियों के बीच में से रास्ता गुजर रहा है, इसीलिए इसे ओवरपास दिया जा रहा है। दोनों साइड से PQC पूरी तरह से हो चुका है, रोड बनकर पूरी तरह से तैयार है, जैसे ही ओवरपास पूरा हो जाएगा यहाँ पर फिनिशिंग वर्क कर दिया जाएगा। काफी बड़ी पहाड़ी थी यहाँ पर, 20 से 25 फीट की ऊंचाई पर। तो अभी हम पहुंचे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर और अभी रास्ता पूरी तरह से पहाड़ियों से बाहर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से खेत दिखाई देते हैं और दोनों साइड से रास्ता यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, क्रैश बैरियर का काम होना बाकी है और यहाँ पर रास्ता ज़मीनी हाइट से तकरीबन 20 से 25 फीट ऊँचाई पर है और यहाँ पर कंपाउंड वॉल की भी तैयारी की जा रही है, ये आप देख सकते हैं। कंपाउंड वॉल को बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है, एक अंडरपास यहाँ से दिया गया है और उसका ब्रिज के ऊपर डामर डालने का काम यहाँ पर चलता हुआ देख सकते हैं आप। और अभी पूरी तरह से पहाड़ी से बाहर निकल गया है रास्ता, लेकिन जो भी लोकेशन है वो खास है। और ये जो गांव आप देख रहे हैं यहाँ पास में, ये जो जूम करके दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये गांव किनी है, किनी करके गांव है जो कि हाईवे एक्सप्रेसवे से एकदम पास में है, ये आप देख सकते हैं। और इस लोकेशन पर पूरी तरह से रोड बनी हुई है, लैंड मार्किंग का काम यहाँ पर बाकी है और फिनिशिंग वर्क यहाँ पर अंतिम दौर में चलता हुआ आप देख सकते हैं। इस लोकेशन पर एक महीने में काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अभी इस लोकेशन से चलते हैं आगे, आज काफ़ी धूप है और यहाँ से बूटी बोरी की जो MIDC है वो भी दिखाई देती है, कुछ कुछ प्लांट्स यहाँ से दिखाई देते हैं और बारिश अच्छी होने की वजह से और पहाड़ी आसपास होने की वजह से यहाँ पर पूरी तरह से हरियाली छा गई है, ये आप देख सकते हैं। तो जो भी हमारे व्यूवर्स नागपुर में रहते हैं हम उनसे कहेंगे कि इस लोकेशन को ज़रूर विजिट कीजिए और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अब आगे।